कुत्ते हम इंसानों के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, ये तो हम सभी जानते और मानते हैं। दोस्त और देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस करने वाले सिपाही, ये दोनों मिलकर देश की सिक्योरिटी को बरकरार रखते हैं। भले ही ये कुत्ते हम इंसानों की तरह बोल ना पाते हों, मगर हमारे लिए गोली तक खा लेते हैं और एक बलिदानी की तरह इज्जत कमाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही कुत्तों की नस्लों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे देश की सीमा पर खड़े होकर एक सिपाही की तरह हमारी रक्षा में दिन रात एक कर रहे हैं। हम उन देश के सिपाहियों के लिए इस वीडियो को डेडिकेट कर रहे हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेल्जियन मेलानॉइस। बेल्जियन मेलानॉइस बेल्जियन की एक शेपर्ड टाइप डॉग ब्रीड है जो मीडियम साइज होती है। आमतौर पर इस नस्ल को सिविलियन के पास कम देखा जाता है। आज ये ब्रीड पूरी तरह से वर्किंग लाइन ब्रीड बन गई है। इन कुत्तों का इस्तेमाल बहुत सारे कामों के लिए किया जाता है, उसमें से एक टारगेट किलिंग भी शामिल है। कहा जाता है ओसामा बिन लादेन को जब एबटाबाद में मारा गया था, तब सील कमांडोज के साथ बेल्जियन मेलानॉइस भी शामिल थे। इस बात से आप इनके ऑपरेशन डिफिकल्टीज का अंदाजा लगा सकते हैं। भारतीय सेना का एक्सेल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान ड्यूटी करते समय कश्मीर के बारामूला में मारा गया था। मुधोल हाउंड। मुधोल हाउंड भारत की सबसे बेहतर शिकारी प्रवृत्ति और स्वस्थ प्रजाति की कैटेगरी में से एक है। मुधोल हाउंड 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लगभग 3 से लेकर 5 किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं। इस बात से आप इनके एंड्योरेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। शिकारी गुण और चुस्ती की वजह से 2017 में पहली बार इन्हें भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इसे हर मौसम काम करने वाली नस्ल भी माना जाता है। मुधोल हाउंड का इस्तेमाल भारतीय सेना सीमा निगरानी की सुरक्षा के लिए और IED का पता लगाने के लिए करती है। वैसे हमने मुधोल हाउंड पर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड मीडियम टू लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जो बेहद बहादुर और वफादार होते हैं। मूल रूप से भेड़ के झुंड को एकजुट रखने के लिए विकसित किए गए थे, जिन्हें आज अपनी बुद्धिमानी और तेजी से सीखने की क्षमता के लिए डिफेंस फोर्सेज इस्तेमाल कर रही हैं। रिसेंटली जूम नाम का एक जर्मन शेफर्ड एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन को अंजाम देते समय श्रीनगर में घायल हो गया था और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। जर्मन शेफर्ड को अब दुनिया भर में कई जॉब्स के लिए पसंद किया जाता है, जिनमें विकलांगों की सहायता और बॉम्ब डिफ्यूजिंग गार्डिंग भी शामिल है। बखरवाल। बखरवाल उत्तर भारत में पाए जाने वाली मीडियम साइज की स्वदेशी नस्ल है जो दिखने में तिब्बतन मस्टिफ की तरह बहुत ही बेहतरीन होते हैं। ज्यादातर इनका आहार भी शाकाहारी और सादा ही होता है, जैसे कि चावल या मक्के से बनी रोटी और दूध। ये नस्ल दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी नस्लों में से एक है और गुर्जर प्रजाति के साथ सालों से विकसित होती आ रही है। वैसे भारतीय सेना इस लद्दाखी नस्ल का काफी सारे कामों के लिए इस्तेमाल करती है, जैसे बर्फीले इलाके में घुमे हुए लोगों को ढूंढना और IED का पता लगाना। और अब इन्हें अलग अलग विभागों द्वारा इस्तेमाल किए जाने की तैयारियां भी हो रही है। लैब्राडोर। दुनिया की सबसे लोकप्रिय कुत्तों की नस्लों में से एक लैब्राडोर या लैब्राडोर रिट्रीवर कनाडा के मछली पकड़ने वाले कुत्तों की नस्ल के रूप में विकसित किया गया था। लैब्राडोर UK के रिट्रीवर डॉग ब्रीड है। इस नस्ल को बहुत ही सामाजिक और मिलनसार माना जाता है और कुत्ते को अपने मालिक के प्रति अथक वफादार भी देखा गया है। केवल भारत ही नहीं, दुनिया के और भी काफी सारे देशों में इस नस्ल का इस्तेमाल सिक्योरिटी के लिए किया जाता रहा है और आमतौर पर सिविलियंस भी इस डॉग ब्रीड को बेहद पसंद करते हैं। आपकी क्या राय है? इन सभी देश के सिपाहियों के लिए एक लाइक तो बनता ही है। वैसे हमने इस चैनल पर ढेर सारी वीडियोस बनाई है डॉग से रिलेटेड, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।